नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है, तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार और इस महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते रहे। देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि आखिर वो महागठबंधन के साथ वो क्यों गए, उनका कुर्सी प्रेम ही है, ना कि वो लालू और तेजस्वी के प्रति अपना प्रेम भाव जो है वो दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव वो आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं भाजपा का साथ उन्होंने क्यों छोड़ा, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। भाई, गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं, गठबंधन क्यों बनाया गया पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप इतना समझते हैं, उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में, तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद, तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे, वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे, दल खत्म। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महागठबंधन की जो सरकार है इसका भी कोई भविष्य नहीं है, और आप जितना नीतीश कुमार को जानते हैं उससे कम हम भी नहीं उन्हें जानते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने NDA का साथ छोड़ा और वो महागठबंधन में शामिल होने वाले थे, उससे पहले वो हमारे साथ, हमसे उन्होंने मुलाकात की, 4 घंटे तक हम लोग बातचीत किए, और उसमें मुझे मालूम हुआ कि आखिर वो NDA का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ साफ बता दिया कि नीतीश कुमार का जो कुर्सी प्रेम है उसके कारण वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, और महागठबंधन के साथ आने के पीछे इनका मकसद क्या था, क्योंकि बताया है कि लोकसभा चुनाव में अगर BJP जीत जाती तो कहीं ना कहीं BJP नीतीश कुमार को आउट जरूर करती, और वहीं अपने कुर्सी को बचाने के लिए कुर्सी प्रेम कहें, कुर्सी मोह कहें, जिसके कारण नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका लालू प्रसाद यादव के प्रति या फिर तेजस्वी यादव के प्रति प्रेम है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ बताया है कि 2025 तक नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने NDA का साथ छोड़ा और वह महागठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि अभी आने वाला जो चुनाव है उसमें अगर वो हारते हैं तो उनके पार्टी का क्या अस्तित्व रह जाएगा, वो अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।